नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल है, कैसे हो? आज मैं आपको दिखा दूं कि सुनार की दुकान में कुछ ग्राहक बैठे हुए हैं। ये दुकानदार जो है आराम से बिल्कुल फुर्सत में बैठे हुए अपनी दुकान से ज्वेलरीज दिखा रहे हैं, गहने दिखा रहे हैं, और उनके सामने दो ग्राहक बैठे हुए हैं, एक पीले सूट में और एक लाल टी शर्ट में। तभी वहाँ से कुछ बदमाश आते हैं बंदूक की नोक पे, इनसे सामान लूट के ले जाते हैं। ये हाथ सैनिटाइज़र तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो सच में ही कुछ खरीदने आए हैं। ये निकाली पिस्टल, ये तान दिया और बोला, भाई जो भी है चुपचाप रख दो साइड में। और वो ये ना कि सामने जब बंदूक की नोक हो तो बंदा सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से लोग भिड़ गए हैं और हैंड्स अप करके बैठा है टी शर्ट में, और इन लोगों ने जो है फटाफट से सब कुछ लूटना, तिजोरी से सामान निकालना शुरू कर दिया है। भर के पूरी फुर्सत में ले गए हैं, चल मार के पूरा। आगे पुलिस का सायरन भी बजता हुआ दिखाई देता है, मुझे लगा शायद पुलिस पकड़ लेगी, पर नहीं, ऐसा हुआ ये लोग वहाँ से फरार हो गए। एनीवेज उसके बाद क्या हुआ थोड़ी देर के बाद मैं दिखाता हूँ। पुलिस ने इनको पकड़ा, एनकाउंटर किया और इन सभी को जो है तीनों लोगों को गोली भी लगी। ये उत्तर प्रदेश का मामला है, और गोली लगने के बाद जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया उसका सीन भी आपको लास्ट में मैं दिखाता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पहली बार आप देख रहे हैं रॉयल सोल्जर चैनल ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब करें, अलर्ट रहें। क्रिमिनल कब कहाँ से आ जाए, हमेशा से सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बेचारा देखो सर पकड़ के लेट गए दुकान पर। बड़ी ऑब्वियस ही बात है, हर कोई बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी से एक पाई जोड़ के अपना कुछ काम धंधा शुरू करता है, और अचानक ये लोग लुटेरे इस तरीके से करते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। तो भाई सतर्क रहें, अलर्ट रहें, अपने आसपास सराउंडिंग्स पे ध्यान रखें। तो मैं यूथ को संदेश देना चाहता हूँ कि सीखो उन लोगों से जिनके हाथ पैर नहीं हैं, आँखें नहीं हैं, फिर भी मेहनत मजदूरी से ईमानदारी से कमाते हैं। ये जितना भी लूटपाट है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है ना, कभी आप पे, कभी फैमिली पे, कभी बीमारी पे, या आने वाली पीढ़ी पे कहीं ना कहीं निकल जाता है। पकड़े गए तो सीधा जेल की हवा खानी है, ज़िंदगी बर्बाद है। तो थोड़े से लालच में कभी ऐसा गलत काम ना करें। कोई आपको जितना मर्जी दोस्त गलत सिखा दे, कभी बातों में ना आए, अपना डिसीजन लें। कभी भी गलत व्यक्ति के साथ गलत कामों में शामिल ना हो, हमेशा अलर्ट रहें, और अपने माता पिता का कभी भी नाम मिट्टी में ना डुबोने दें।